दिल्ली के लोग किस तरह मामूली बातों पर एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाते हैं और किसी का कत्ल करने से जरा भी नहीं हिचकते, ये वारदात इसका सबूत है। गोविंदपुरी के इस परिवार के एक नौजवान सदस्य नीलू की वहीं रहने वाले कुछ लोगों ने पत्थरों से कुचलकर बर्बर तरीके से हत्या कर दी। नीलू की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने घर के सामने एक शख्स को लघु शंका करने से मना किया था, लेकिन किसी के घर के सामने ऐसा करने से मना करने की बात उस शख्स को इतनी नागवार गुजरी कि वो अपने कुछ साथियों के साथ लौटकर फिर से नीलू के घर आया और उस पर पत्थरों से हमला कर दिया। दरअसल वारदात के वक्त इलाके में बिजली गई हुई थी और नीलू और उसकी पत्नी घर के बाहर ही बैठे थे। उसी दौरान एक शख्स वहां लघु शंका करने के लिए खड़ा हो गया। जब नीलू ने उसको वहां टॉयलेट करने से मना किया तो वो गुस्सा हो गया और बाद में चार पांच लड़कों के साथ आकर नीलू के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक शख्स ने बड़ा सा पत्थर नीलू के सिर पर और फिर पेट पर दे मारा, जिससे नीलू मौके पर ही बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। कल 11:30 बजे का मामला है, मैं बाहर बैठी थी अपना आदमी के साथ दिल्लू के, तो जो लड़का रवि है जिनने मारा है, वो लड़के का बाप आके मेरे सामने पेशाब करने लग गया। तो मेरे आदमी ने ये बोला कि यहाँ क्यों पेशाब कर रहे, तो मैं कोई बहू बेटी नहीं दिखाई दे रही। तो उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है उसका, लड़का आके बोल रहा कि तेरे बाप की सड़क है, बड़ा वाला जो नील कमल है, उसने आके बोला कि तेरे बाप की सड़क है। तो मेरे आदमी ने ये बोला कि मैंने बाप का तो नाम लिया नहीं है, तू मेरे बाप का नाम क्यों ले रहा है। उतने में उसने हाथापाई कर दी। उसके जो छोटा लड़का था वो भी और उसका बाप उसकी माँ ने, उन्होंने चारों तीनों मिल के मेरे आदमी को मारा। उसने दारू में बिल्कुल धुत था, उसको ये नहीं पता था मुझे क्या करना, बस पीछे से आया। पहले उसने 3-4 बार पटिया मारी, 2 मारी सर में पत्थर। कितनी बार पत्थर से मारा? 3 बार मारा। अच्छा। 3 बार मारा उसको। कहाँ कहाँ पे वार किया? सर पे करा, पास इसमें। उसके बाद उसको आप लोग कहाँ लेके गए? हमें मालूम नहीं था, हमें तो किसी और लोगों ने बताया कि उस लड़के के साथ झगड़ा हो रहा, तुम लोग घर में सोए हुए हो। जब हम सब पूरा परिवार भाग के आए। नीलू के 4 बच्चे हैं और वो घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था। ऐसे में इस वारदात के बाद अब घर वालों को बच्चों की परवरिश की चिंता भी सताने लगी और उनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। के बाप भी आया, किसी ने लड़ाई शांत नहीं करी, सब मारने लग गए। अब मामा को जरा सी बात पे इतनी लड़ाई हो गई, पता ही नहीं चला वो लोग कब पटिया उठा के लाए। मामा के पेट में मारी और पेट में मारी, मामा वहीं पे ख़त्म हो गए मेरे। बताइए मेरे मामा के 4 बच्चे छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बस हम ये चाहते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और मेरी मामी को पूरा न्याय मिले और इन बच्चों के लिए कोई सुविधा मिले, ना ये पढ़ पाएंगे, अब इनका कोई करने वाला है नहीं। पुलिस ने हालांकि इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस तरह की घटना बड़ी हैरान करती है जब लोग छोटी मोटी बातों को लेकर भी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और यह गुस्सा दिल्ली वालों की मानसिकता को लेकर भी सवाल खड़े करता है।